हाई एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट पेपर नंबर 3। चैप्टर्स कवर्ड किए थे हमने IFOS, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। MCQ क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में डिस्कस करे थे, एंड टुडे वी विल डिस्कस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। आई बिलीव आप सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट पेपर डाउनलोड किया होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी। सॉल्यूशन फाइल भी आपको उसी लिंक में मिल जाएगी। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन फाइल ऑल्सो। चलिए शुरू करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की टेस्ट सीरीज़ करना। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस ऑफ नेक्स्ट लेवल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट अगर पूरे भी नहीं होते सॉल्व, तो यू कैन कीप द सॉल्यूशन असाइड, अपने साइड में आप सॉल्यूशन रखिए और उसको कोशिश कीजिए कि आपका आंसर काफ़ी सिमिलर तक आ जाए। ऑल दो चाहे आप देख देख कर भी करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस विदुषी, अ रेसिडेंट इंडियन, एज 57 ईयर्स। सीनियर सिटीजन नहीं है, 57 ईयर्स एज है। तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ऑल्सो शो द आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। हम कितना इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी 1,55,000। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,19,000। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। इन केस अगर आप इंटर हेड सेट ऑफ करना चाहते हो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इफ़ यू वुड लाइक टू सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम सम अदर हेड, दूसरे हेड से हो जाता है, कैजुअल इनकम से नहीं होगा, बाकी सभी हेड से हो जाता है। बट मैक्सिमम याद रखिए 2 लाख से ज़्यादा आप दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये 1,19,000 है, तो ये आराम से सेट ऑफ हो जाएगा। सैलरी से भी हम कर सकते हैं इसको सेट ऑफ। लॉस फ्रॉम टॉयज बिजनेस, ओके, PGBP का लॉस है। PGBP का लॉस भी किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी एंड ऑफ कोर्स कैजुअल इनकम। ठीक है, हाँ, पर PGBP में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हो गया या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हो गया, तो वहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप जानते हैं। तो अभी ये लॉस है PGBP का, देखते हैं किससे सेट ऑफ कर पाएंगे हम। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट 35AD में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड होते हैं, और अगर ऐसे बिजनेस में लॉस हो तो इसी तरह के बिजनेस से सेट ऑफ हो सकते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस से। अदरवाइज अभी हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे बिजनेस से, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम नेक्स्ट अनलिमिटेड ईयर्स तक। याद है आपको 35AD के लॉसेस का ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉस होता तो प्रॉब्लम होती, बिकॉज आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स। बट हाँ, अगर हमारे दूसरे हेड में, लेट्स से PGBP में या हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हों, तो वी कैन सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ, दूसरे लॉसेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाते हैं। तो हमारे एक बिजनेस लॉस था, तो हम यहाँ से भी सेट ऑफ कर पाएंगे। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स मतलब कैजुअल इनकम, ठीक है, लॉटरी बिजनेस की इनकम, गेम शो की इनकम। अगर वहाँ पे लॉसेस हों तो ऐसे लॉसेस को इग्नोर करते हैं, इसको कभी भी हम दूसरे हेड से भी सेट ऑफ नहीं करते, कहीं से भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये डेड लॉसेस होते हैं। तो यू कैन नॉट सेट ऑफ फ्रॉम एनीथिंग, तो ये तो डेड लॉस है, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम बेटिंग कैजुअल इनकम है, तो कैजुअल इनकम पर आपको पता है सीधा 30% टैक्स जाता है, और लिखा भी है ग्रॉस, मतलब विदाउट TDS 49,000 ही लेनी है हमें यहाँ पर इनकम फ्रॉम बेटिंग। और इसके अगर कोई लॉस है दूसरा, तो वो कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसके ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ता है। डिपॉजिट इन PPF, PPF में डिपॉजिट करते हैं, तो ये कोई इनकम नहीं है, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर दिस यू गेट 80C की डिडक्शन। चैप्टर 6 से हम लोग पढ़ते हैं 80C से लेकर 80U, तो 80C में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसकी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है।
तो आप 1 लाख की डिडक्शन दे सकते हैं, फिर आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। बट इन दिस केस GTI हैज़ बीन आस्क्ड ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसका अभी हमारा कोई काम नहीं रहेगा बिकॉज GTI तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली GTI ही क्यों लिया है, क्योंकि ये टेस्ट चैप्टर 6 से तक का नहीं था, ये टेस्ट सिर्फ हमारा IFOS क्लबिंग और सेट ऑफ का था। दैट इज़ द रीज़न मैंने GTI लिया। बट जनरली जब आपके एग्जाम में आता है या फिर नेक्स्ट टेस्ट में जब हम डिडक्शंस भी कवर कर लेंगे, देन आई लास्ट टोटल इनकम, तब ये काफ़ी काम आएगा आपको ATC की डिडक्शन देने के लिए। ठीक है, ओके, तो कहाँ कहाँ पर लॉस आ रहे हैं? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव से हो सकता है, हाँ हो सकता है, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। स्पेकुलेटिव का लॉस होता तो रिस्ट्रिक्शंस थी, बट ये लॉस यहाँ पर सेट ऑफ हो सकता है। बट कितना हो पाएगा? सिर्फ 28,000 तक, बाकी लॉस रह जाएगा, उसका क्या करेंगे? स्पेसिफाइड बिजनेस में तो फिर भी लॉस है, उसको तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो बाकी का बिजनेस लॉस हमारे यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। कार्ड गेम के लॉसेस का कुछ नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम बेटिंग, तो इससे तो कुछ आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ तक हमें करना नहीं, बट अगर आप करें तो इसकी चैप्टर 6 से की डिडक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पर स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरीज, सैलरी से इनकम है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं दैट दिस इज अ कंप्यूटेड इनकम, ये हमारी कंप्यूटेड इनकम है, तो आप इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 प्लीज माइनस मत कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर हाँ ऐसा लिखा होता दैट ही रिसीव्स सैलरी इनकम ऑफ 50,000 पर मंथ या 60,000 पर मंथ, तब आप ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करते और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन देते आप। तो जब सेटअप वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा लिखा होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो वी एज्यूम कि ये कंप्यूटेड इनकम होती है, इसमें से आप फर्दर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दोगे। सैलरी में से जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 तक की, ग्रॉस सैलरी एट 50,000 विच एवर इज लोअर, हाउस प्रॉपर्टी में आप 24A में डिडक्शन दे देते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, तो आप वो ना दें बिकॉज ये एज्यूम करेंगे हम दैट दीज आर कंप्यूटेड इनकम। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 था ये, एक मिनट दीजिए। ओके, सो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस विदुषी, असेसमेंट ईयर 2021, इनकम अंडर द हेड सैलरीज के साथ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो गया। 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता था, तो यहाँ पे 1,19,000 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिजनेस से हमारा एक स्पेकुलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट आया था, टॉयज बिजनेस से लॉस आया था, बट टॉयज बिजनेस का लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं स्पेकुलेटिव से, बट मैक्सिमम 28,000 तक ही हो पाएगा, इसलिए PGBP की इनकम निल हो चुकी है। कैपिटल गेन आया था, कैपिटल गेन से हम बाकी का बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करा देंगे और रिमेनिंग इज 58,500। IFOS की इनकम में इनकम फ्रॉम बेटिंग ही आएगा यहाँ पर, और बाकी जो कार्ड गेम से लॉस था वो तो आप इग्नोर करोगे। ठीक है, तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है 1,43,500। उसके बाद आप बोल दीजिए क्या कैरी फॉरवर्ड किया आपने, तो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है आपने, और बाकी के नोट्स देने हैं आपको कि नॉर्मल बिजनेस का लॉस हमारा स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस बाकी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफाइड से होता है और अनलिमिटेड ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो कैजुअल नेचर के लॉसेज होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इवन इनफैक्ट उनको तो हम सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके देखिए, आप देख रहे हैं सिर्फ एक एक दो दो लाइन के नोट्स यहाँ पर गिवन है, तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। आपको सिर्फ एग्जामिनर को बताना होता है कि दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज प्रोविजंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज रचित गिफ्टेड रुपीज 15 लाख टू हिज वाइफ शुभा ऑन हर बर्थडे ऑन 23rd February 2019। अब रचित ने कैश गिफ्ट करा अपनी वाइफ को, क्या उनकी वाइफ की इनकम हो जाती है? उनको रिलेटिव से मिली है तो उनकी इनकम नहीं होती है, बट हाँ अगर ऐसी इनकम के ऊपर कोई इनकम जनरेट होगी, इस कैश के ऊपर 15 लाख के ऊपर अगर कोई इनकम जनरेट होगी तो वापस क्लब हो जाएगी रचित के हैंड्स में। ठीक है, शुभा लेंट 8 लाख, तो 15 लाख में से 8 लाख आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू करुणा ऑन 1st April 2019 फॉर 6 मंथ्स ऑन विच शी रिसीव्स इंटरेस्ट ऑफ 80,000। अब नाउ
ट्रांसफर्ड असेट के ऊपर इनकम जनरेट हुई है। तो ट्रांसफर्ड असेट के ऊपर जब आप इनकम जनरेट करते हैं तो वापस क्लब हो जाएगी, तो 80,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रचित। द सेट सम ऑफ 80,000 वॉज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन 5th October 2019 विच वर सोल्ड फॉर 96,000 ऑन 28th March 2020। अब देखिए, जो ट्रांसफर्ड असेट के ऊपर इनकम जनरेट हुई उसको हम फर्दर इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर जो इनकम जनरेट होती है दैट विल नॉट बी क्लब्ड। हम इसको ऐसा कहते हैं कि इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। तो यहाँ पर जो इनकम आई 80,000 रुपीज़ की, उससे फर्दर शेयर्स खरीदे गए और शेयर्स बेच दिए गए 96,000 के। शॉर्ट टर्म में बेचे गए, एक साल से पहले हैं, तो आपका इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 96,000 माइनस 80,000 16,000, और ये 16,000 को प्लस क्लब मत कीजिएगा बिकॉज दिस इज इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम। ठीक है, इट शैल नॉट बी क्लब्ड, याद आ गया आपको ये प्रोविजन? ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको पुरानी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, STD पे किया गया था तो शॉर्ट टर्म है, तो 111A है ये, बट ये क्लब नहीं होगा। द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वॉज इन्वेस्टेड ऑन 1st April 2019 एज कैपिटल बाई शुभा इन हर न्यू बिजनेस। अच्छा, बैलेंस अमाउंट कितना था? 15 लाख गिफ्ट करा गया, 8 लाख तो हमने लेंट कर दिया था। उसके बाद 7 लाख का रिमेनिंग अमाउंट था, वो बिजनेस में लगाया गया और बिजनेस से लॉस आ गया 52,000। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि अगर स्पाउस कोई गिफ्ट देता है विच द अदर स्पाउस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है दैट शुड ऑल्सो बी क्लब्ड। याद करिए, प्रॉफिट भी आएगा तो भी क्लब्ड होगा, लॉसेज भी आएंगे तो भी क्लब्ड होंगे। बट आप देखते हैं कि क्या फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पर कैपिटल लगाई गई है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट 1st April को ही कैपिटल लगाई गई थी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो कितना लॉस आया? 52,000 का। आगे लिखा हुआ है, इन हूज हैंड्स द अबव इनकम एंड लॉस शैल बी क्लब्ड एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वॉज एंटायरली आउट ऑफ द फंड्स गिफ्टेड बाय द हस्बैंड। पूरे का पूरा कैपिटल हस्बैंड की है, मतलब रचित की है। तो कितने का लॉस आया? 52,000 का। हम लोग देखते हैं कि 1st April को हमारे ट्रांसफ़र कितनी हुई थी कैपिटल, तो वो 7 लाख ही थी। टोटल कैपिटल एज ऑन 1st April भी 7 लाख थी, यानी कि टोटल पूरा का पूरा 52,000 क्लब हो जाएगा। बट क्योंकि ये लॉस था, तो क्या लॉसेस क्लब नहीं होते? लॉसेस भी एज इट इज़ क्लब होते हैं, तो ये लॉस भी क्लब हो जाएगा रचित के हाथों में। तो रचित की इनकम कितनी आएगी? 80,000 रुपीज़ पॉजिटिव, 52,000 नेगेटिव, और जो 16,000 का जो कैपिटल गेन हुआ है वो क्लब नहीं होगा, वो शुभा के हाथों में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो रचित और शुभा के लिए दो कॉलम ड्रॉ कर लिए गए, 80,000 रचित के हाथों में, 52,000 का लॉस आया था, ठीक है, और ये 16,000 की इनकम कैपिटल गेन की आई जो कि क्लब नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यू कैन अगेन पॉज द वीडियो हेयर, डन। चलिए आगे चलते हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज ज्योति परचेज्ड अ रेसिडेंशियल फ्लैट फ्रॉम हर फ्रेंड राधिका एट ₹10 लाख इन द सिटी ऑफ इंदौर ऑन 3rd October 2019। द वैल्यू डिटरमाइंड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी फॉर द स्टैम्प पर्पस वॉज 15 लाख। अब देखिए, 15 लाख की स्टैम्प वैल्यू है, घर खरीदा गया 10 लाख रुपीज़ का। अब जो बेच रहा है उसके ऊपर सेक्शन 50C के प्रोविजन्स आप अप्लाई करेंगे, और उनका सेलिंग प्राइस कौन बेच रहा है? राधिका बेच रही है। तो राधिका के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो 10 लाख नहीं होगा, 15 लाख होगा। ठीक है, कैपिटल गेन जब आप कंप्यूट करेंगे तो 15 लाख के अकॉर्डिंग करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अप्लाइंग सेक्शन 50C। और क्योंकि यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, 5% से भी ज़्यादा वेरिएशन, तो इस केस में 15 लाख को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। दूसरा, जो रिसीवर होता है, जो परचेजर है, अगर परचेजर ने इसको सस्ता परचेज किया है और डिफरेंस 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है या 5% ऑफ द कंसिडरेशन से ज़्यादा है, तो उस केस में भी ये इनकम बन जाती है रिसीवर की, ठीक है, IFOS की सेक्शन 56। तो यहाँ पर
ज्योति ने ये 10 लाख रुपीज़ का घर खरीदा, ठीक है, इट्स अ रेजिडेंशियल फ्लैट, ओके, 10 लाख रुपीज़ का घर खरीदा, बट स्टैम्प वैल्यू इसकी 15 लाख थी, तो 15 माइनस 10, 5 लाख आएगा, वो ज्योति की इनकम बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, ठीक है। और अगर फर्दर इसको ज्योति इसको बेचती है तो उनके लिए कॉस्ट कितनी ली जाएगी, 10 लाख, नो, क्योंकि वो 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो अब इनकी जो कॉस्ट बन जाती है दैट इज़ डीम्ड कॉस्ट 15 लाख बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख के ऊपर ये टैक्स दे चुके हैं IFOS में। तो अगर ये फर्दर ज्योति इसको कभी भी किसी को बेचेगी तो कॉस्ट प्लीज़ 15 लाख ही लीजिएगा, 10 लाख मत लीजिएगा। ऑल्दो आई एग्री इन्होंने 10 लाख में खरीदा है, बट 5 लाख पर एक्स्ट्रा टैक्स तो दे दिया एज IFOS, तो नाउ हर कॉस्ट विल बिकम 15। तो आगे लिखा हुआ है, राधिका हैड परचेज द फ्लैट ऑन 1 जनवरी 18 में परचेज किया था, 19 में बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा एट 3.5 लाख। चलिए राधिका के लिए अगर कैपिटल गेन निकालना चाहें तो हम कैसे करेंगे, राधिका ने एक्चुअली बेचा 10 में, बट 10 नहीं लेंगे, यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू ली जाएगी सेक्शन 50C, 15 माइनस 3.5, तो 15 माइनस 3.5 दैट मेक्स 11.5 इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ज्योति ने इसको फर्दर बेच दिया 20 लाख में। अच्छा, अब ज्योति ने भी इसको फर्दर बेच दिया, सबसे पहले ज्योति की इनकम IFOS की आएगी 5 लाख, और अगर इनको बेचा गया 20 लाख रुपीज़ का, तो 20 माइनस कितना, 10 जितने में खरीदा था, या 15 मानी जाएगी, 5 लाख, जैसे मैं भी बातें कर रहा था कि 5 लाख तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं IFOS, तो यहाँ पर 20 माइनस 15, 5 लाख का कैपिटल गेन भी आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। शुड आई शो यू द सॉल्यूशन ऑल्सो, देखें हम लोग सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले लिखा हुआ है ज्योति जो परचेजर है, सेक्शन 56 लिखना इज सफिशिएंट, ठीक है। तो 56 में ये इनकम आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख थी, कंसिडरेशन पे 10 लाख है, 5 लाख रुपीज़ की इनकम हुई, बिकॉज ये 5% जो हमारा एस्टिमेटेड या फिर अलाउेबल लिमिट है उससे भी ज़्यादा का वेरिएशन है, और साथ साथ में 50,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, तो इसलिए हम 5 लाख के ऊपर IFOS की इनकम बना देंगे। दूसरा, कैपिटल गेन राधिका के हाथों में कितना लगेगा, बिकॉज इन्होंने बेचा है 10 लाख का, बट स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा थी, तो 50C लगा यहाँ पर, 50C का यहाँ पर रेफरेंस भी दिया गया है, 50C काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ज़रूर याद क्या कीजिएगा, कैपिटल गेन का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 50C। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3.5, शॉर्ट टर्म था, 11.5 लाख का कैपिटल गेन आया राधिका के हाथों में, और ज्योति के हाथों में क्या आएगा, ज्योति के हाथों में दोबारा से कैपिटल गेन आएगा, बिकॉज इन्होंने फर्दर बेच दिया 20 लाख रुपीज़ का, तो 20 लाख का ये बिका। कॉस्ट इनकी वैसे तो एक्चुअल कॉस्ट 10 थी, बट IFOS की इनकम 5 हो चुकी है, तो इनकी कॉस्ट कितनी लेंगे, 15 20 माइनस 15। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है स्टूडेंट ने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ज्योति वुड बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 3rd October 2019, जब इनको रिसीव हुआ था, क्योंकि उस समय IFOS की भी इम्प्लीकेशन आई होगी, क्लियर है। सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज मिस्टर अब्दुल सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, और हमें कंप्यूट करना ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूट द GTI एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ का क्वेश्चन है, और बता रहे हैं कि कितना ग्रॉस टोटल इनकम होगी और कितना हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, और अब्दुल हैज़ फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 25th July 2020 का मतलब है कि ROI की जो ड्यू डेट होती है या तो 31st July होती है, ठीक है, 30th September होती है जिन लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, कुछ लोगों के लिए 30th November भी होते हैं जिनके लिए, जिनके बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है, बट 30th November को अभी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, यू शुड नो टू ड्यू डेट्स, फर्स्ट इज 31st July ऑफ असेसमेंट ईयर और दूसरी 30th September ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये रिटर्न ऑफ इनकम में आप रिवाइज करते हैं, तो यहाँ पर ये बातें यहाँ पर क्यों दी गई हैं कि इन्होंने ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी, बिकॉज तभी इनके कुछ लॉसेज होते हैं, जैसे PGBP का लॉस है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड तभी हो सकते हैं अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल की हो, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगर रिटर्न लेट भी फाइल हो, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगर रिटर्न लेट भी फाइल होती है, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी,
कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो कैरी फॉरवर्ड के क्या प्रोविजंस हैं। क्लियर है, कर लेंगे वो भी रिवाइज। ओके, सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इनकम फ्रॉम सैलरी 6,50,000। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस 1,55,000। अब देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी का मतलब है टोटल सैलरी दिया हुआ है, इसको हमेशा कंप्यूटेड एज्यूम किया क्या कीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस 1,55,000, तो इट्स वो कंप्यूटेड। ऐसा नहीं है कि आप इसको रेंट एज्यूम कर लें और इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दें। हाँ, अगर लिखा होता ना रेंट फ्रॉम हाउस 1, इनकेस अगर रेंट लिखा होता तब आप इसको GAV से शुरू करके म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड NAV, तो उसके बाद आप 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी में होती है 30% ऑफ NAV वो दे सकते थे। बट जब लिखा रहता है इनकम फ्रॉम हाउस या इनकम फ्रॉम सैलरी, यू एज्यूम इट्स अ कंप्यूटेड आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, ओके। लॉस फ्रॉम हाउस नंबर 2 1,25,000, लॉस फ्रॉम हाउस नंबर 3 1,90,000। ओके, 2, 3, 4 ये तीनों पॉइंट्स हाउस प्रॉपर्टी के हैं। अब हाउस 1 में तो प्रॉफिट है और हाउस 2 और 3 में लॉस है, और टोटल कितना लॉस है 1,25,000 और 1,90,000 टोटल ऐड कर देंगे आप। इसमें से इस लॉस में से तो 55,000 रुपीस आप हाउस नंबर 1 का जो प्रॉफिट है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी लॉस अगर आता है और वो 2,00,000 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा मुझे लग रहा है इन दोनों को ऐड करके, तो अगर 2,00,000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम आप 2,00,000 ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 2,00,000 आप हाउस सैलरी से सेट ऑफ कर दीजिएगा। इन केस कुछ एक्स्ट्रा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस रह जाए तो फिर वो किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। 2,00,000 की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप वो कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स तक। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का क्लियर हो गया। कम टू पॉइंट नंबर 5, लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है 68,000 का, किसी दूसरे बिजनेस प्रॉफिट से वो सेट ऑफ हो सकता है, इनफैक्ट दूसरे हेड से भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड कैजुअल इनकम। 6 पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ बिजनेस 170, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेदर का लॉस आप क्लोथ बिजनेस से कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन इक्विटी ओरिएंटेड ऑन विच STT वॉज पेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ कैपिटल गेन से ही हो सकता है। लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है क्या? हाँ, उल्टा नहीं होगा, वैसा वर्षा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से नहीं होता है, ठीक है, बस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से हो जाता है, बट किसी दूसरे हेड से नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट टर्म से हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ हो जाएगा, बट प्लीज़ दूसरे हेड से सेट ऑफ मत कीजिएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस देखेंगे कि कोई अगर कैपिटल गेन है तो उससे सेट ऑफ कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ये तो कैजुअल इनकम है, इससे तो कुछ सेट ऑफ आप कर नहीं सकते हो, 30% टैक्स देना पड़ता है इसमें। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला, इट्स एन IFOS इनकम। लॉस ऑन ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो रेस हॉर्सेस का लॉस अगर है तो इसी तरह के बिजनेस से, रेस हॉर्सेस ओनिंग एंड मेंटेनिंग अगर रेस हॉर्सेस का दूसरा बिजनेस है तो उसी से सेट ऑफ हो सकते हैं। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस बुल्स 9,000 की इनकम है, ये कैसी इनकम है, कौन से हेड में जाती है? इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस बुल्स PGBP में। ठीक है, IFOS में भी क्या जा सकती है? जनरली देखो, ये विनिंग नहीं है, दिस इज इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब आपका यहाँ पर बिजनेस ही है इस तरह का। सर ये तो हमने IFOS में सुना था कि IFOS में आती है, देखो जनरली ना यहाँ पर बड़ी एम्बिग्यूटी है क्योंकि ये लोगों का बिजनेस होता है तो इट शुड बी बिजनेस इनकम, बट स्टिल हॉर्स रेसेस का ओनिंग एंड मेंटेनिंग को लॉ ने कहा है कि इसको IFOS मानो, बट बाकी के एनिमल जो दूसरे एनिमल रेसेस हैं उनके बिजनेस को IFOS नहीं माना गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, दिस इज़ नॉट विनिंग, यहाँ पर हम गए नहीं थे उस हॉर्स के ऊपर या उस बुल के ऊपर, हमने पैसे नहीं लगाए थे, दिस इज़ आर बिजनेस, इट शुड बी बिजनेस इनकम, इट शुड बी बिजनेस इनकम। बट हाँ, रेस हॉर्सेस का ओनिंग एंड मेंटेनिंग होता है तो उसको IFOS ले लेते हैं, बाकी एनिमल रेस को आप बिजनेस ले सकते हो बिकॉज इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग बस। बट ये किस नेचर के होते हैं? ये स्पेकुलेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, ये स्पेकुलेटिव नेचर के बिजनेसेस होंगे। तो कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 का प्रॉफिट था, उससे हमने हाउस 2 सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी कुछ लॉसेस आए तो सैलरी से हमने सेट ऑफ कर पाए, सैलरी 6,00,000 लिया गया यहाँ पर। यहाँ पे स्टूडेंट ने गलती करी हुई है, उसने 50,000 की डिडक्शन माइनस कर दिया है। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी इसको कंप्यूटेड मानेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुकी है, तो आप यहाँ पर ये गलती है, इसको 650 लीजिएगा
और बाकी 86,500, 113,500 ये कैसे आया है? ये एक्चुअली 2 लाख तक की लॉसेस सेट ऑफ किए गए हैं। 38,500 का तो ऊपर हो गया, बाकी 86,500 हाउस टूज का यहाँ पे सेट ऑफ किया, हाउस थ्री का इतना किया, मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाए थे। बट यहाँ पर मैंने ये क्यों लगाया हुआ सर्कल, बिकॉज यहाँ पर 650 लेना चाहिए था। ठीक है, क्लॉथ बिजनेस का प्रॉफिट है, लेदर बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ, यहाँ पे लेदर बिजनेस का लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस बोल्स को पीजीबीपी की इनकम आनी है। ठीक है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये इनकम नहीं थी, इनफैक्ट लॉस था, और कैपिटल गेन का लॉस तो किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का गलत किया हुआ है, क्योंकि ये लॉस नहीं था, ये इनकम नहीं थी, ये लॉस था। ठीक है, और IFOS की इनकम आपकी आ जाएगी। IFOS की इनकम कौन सी थी हमारी, एक तो थी डिविडेंड की इनकम 8,500 और इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा टेस्ट पेपर कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव द सॉल्यूशन ऑल्सो। तो आई बिलीव कि आप लोग इनकम टैक्स टेस्ट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनकम टैक्स टेस्ट नंबर 4। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।